हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आप बिल्कुल ऑन एयर हैं, फरमाइए, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी बेटी की शादी को 1 साल 4 महीने हो गए और 1 साल उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा। मेरी बहू ने, मेरा बेटा अमेरिका आ गया, फिर यहाँ आई हुई मेरी बहू को 4 महीने हो गए। अच्छा, मुझे एक ऐसा वजीफा बताएं कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत से उनको नवाजे, बिल्कुल और वजीफा ऐसे बताएं, मुझे लफ्ज की समझ नहीं आती, जरा खुल के और साफ। खुदा मुफ्ती मुनीर अहमद अवान साहब को जिंदगी तरक्की और लंबी उम्र दे, और आप मुझे बहुत ऐसी वजीफा बताएं कि मैं। हाँ बिल्कुल जी, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती वजीफा बताएं कि मैं अपनी बहू के लिए पानी पे दम करूं या इसी तरह दम ठीक है, करती बहुत अच्छा। हम आपके आपको बताते हूँ। और हैं। दूसरा दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ने मुझे वजीफा बताया था, मेरा भाई ह्यूस्टन में है, जी 80 में गए थे, अभी तक नहीं आया वो वजीफा, या मुहिब कहाँ गए थे? अच्छा, और या ह्यूस्टन में ही अमेरिका, मैं भी अमेरिका में हूँ, तो वो अभी तक नहीं आया। मैंने वो वजीफा मुकम्मल कर लिया, लेकिन मेरे भाई ना फोन करते हैं, बहनों को ठीक ना है, बोलते हैं आपको कोई अमेरिका और में वजीफा फोन बताते हैं करते इंशाल्लाह इस सिलसिले में। थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो उसके लिए आप नोट कर लें, या खालिकु या फातिरु, ये अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या खालिकु या फातिरु। ये जो आपने 41 मरतबा खाने पीने पे दम करना है, बहू को खिलाएं, बेटे को खिलाएं, खाने पीने की जो चीज़ें उनकी उनके ऊपर दम कर दें, या खालिकु या फातिरु 41 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। और ये आपने 71 डेज की नियत से शुरू करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह उन्हें साहिबे औलाद कर देंगे और उनकी गोद हरी हो जाएगी। और बाकी जो दूसरा जो सवाल है भाई के हवाले से, उसके लिए वो पहला वजीफा आपने पूरा कर लिया है, तो अब ये दूसरा वजीफा नोट कर लें। सूरत तारिक, सूरत तारिक आपने 11 मरतबा पढ़नी है। सूरत तारिक ये 11 मरतबा पढ़नी है, और सूरत तारिक के अंदर जो है वो आयत है, इन्नहु अला रजईही लकादिर, इन्नहु अला रजईही लकादिर। ये जो आयत है, इस आयत को 41 मरतबा पढ़ना है। पहले उसको 11 दफ़ा पढ़ लिया, उसके बाद 41 मरतबा फिर इसी आयत को दोहराना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और दुआ कर लेने की, अल्लाह हमारे भाई को हमारे पास लेके आ, हमसे मिला दे, और उसके दिल के अंदर जो भी खराबी उसको दूर कर दे, दिल को पाक कर दे। तो ये नियत करके दुआ कर लेनी है, और ये आपने 41 दिन बिला नागा ये अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपके भाई से मुलाकात हो जाएगी और आपके हालात साजगार हो जाएंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।